नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाली रहा छो एस लाइव न्यूज बुलेटिन। नजर नाखिए अत्यार सुधी ना मुख्य समाचारों पर। पीएम पद माटे राहुल गांधी ने मैदान में उतारा थे, टूंकमां थाय जाहेरात। नेपाल ना पशुपतिनाथ मंदिर खाते भारतीय नागरिकों माटे स्पेशल वीआईपी दर्शन की सुविधा। विश्व की सौथी जहरी दरियाई प्रजाति जेलीफिश नु विद्यार्थियों द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन। मुंबई में सरेआम चेंज मेजिंग ना बनाव की चर्चा। बापी ना रेलवे स्टेशन पर बनी करुणा घटना, हाई टेंशन ना वायर की चपेट में आयो युवान। गुजरात ना मुख्यमंत्री अने भाजपा ना वडाप्रधान पद ना उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सामे राहुल गांधी ने मैदान में उतारवानी तैयारी कांग्रेस पार्टी द्वारा करी लेवामां आवी छे। विश्वसनीय सूत्रों जणाव्या अनुसार 17 जानुआरी ना दिवसे दिल्ली में योजनारी AICC नी बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस ना वडाप्रधान पद ना उम्मीदवार तरीके जाहिर करवामां आवशे। सामान्य चूंटणी ने लईने चाली रहेली अटकळों नो अंत लावता कांग्रेस हवे राहुल गांधी ने मैदान में उतारवानी तैयारी करी चुकी छे। राहुल ना नामनी जाहेरात ने लईने कांग्रेस ना नेताओ सीधी रीते कोई वात करवानी स्थिति में नथी, परंतु आ महत्वपूर्ण बैठक ने समर्थन आपता कहेवामां आव्युं छे के 2014 चूंटणी माटे मोटो निर्णय लेवामां आवी शके छे। તાજેતરમાં જ યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કારમી હાર ખાધા બાદ 2014 લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને મંથનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે। પાર્ટીના મોટાભાગના નેતાઓ માને છે કે કોંગ્રેસ પણ ભાજપની જેમ ભાવિ પીએમ ચહેરાને મેદાનમાં ઉતારે તે જરૂરી છે। નેપાળના સુપ્રસિદ્ધ પશુપતિનાથ મંદિરના દર્શન માટે ભારતીય નાગરિકો હવે લાંબી લાઇનમાં ઉભા રહેવાની જરૂર નહીં પડે। पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट मंदिर खाते स्पेशल वीआईपी दर्शन सुविधा शुरू करवानी जाहेरात करी छे। आ सुविधानो प्रारंभ 1 जानुआरी 2014 थी थशे। खास करीने तहेवारो अने शुभ दिवसोए मंदिरमां लांबी लाइनो लागती होय छे त्यारे आ सुविधा घणी राहतरूप रहेशे। पशुपतिनाथ ट्रस्ट अमदावाद, पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट अने नेपाळ टूर ऑपरेटर सरा ओगी नेपाळ प्राइवेट लिमिटेड साथे योजायेली बैठकमां आ जाहेरात करवामां आवी छे। આ પ્રસંગે ટ્રેડ પાર્ટનર્સ અને મીડિયા પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા। સરા ઓગી નેપાળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર વીરેન્દ્ર સરા ઓગીએ જણાવ્યું કે પશુપતિનાથ મંદિર ખાતે અનોખી વીઆઈપી સુવિધા પૂરી પાડવા ઉપરાંત તેઓ કૈલાસ માનસરોવર, મુક્તિનાથજી, જનકપુરી, લુંબિની અને મનોકામના દેવી જેવા સ્થળોની મુલાકાત માટે વિશેષ સેવા પૂરી પાડશે। કંપની હિમાલય પર્વતમાળાની સાનિધ્યમાં જીવનભરના સંભાળના સમાન બ્રેકફાસ્ટનો અનુભવ કરાવશે। કંપની પ્રવાસીઓને હિમાલયમાંથી રમણીય સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના દર્શન કરાવવા ચાર્ટર હેલિકોપ્ટર રાઇડ્સ પણ ઓફર કરે છે। સરોગી નેપાળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સ્નેહા સરોગીએ જણાવ્યું કે નેપાળનું મહત્વ પશુપતિનાથ મંદિર, એડવેન્ચર, પ્રાકૃતિક સુંદરતા, હેરિટેજ મંદિરો, સંસ્કૃતિ પૂરતું મર્યાદિત નથી। અહીં કેસિનો, 5-સ્ટાર હોટલ જેવી લક્ઝરી સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે। આ ઉપરાંત એવરેસ્ટ તો ખરો જ। अभी हम गुजरात अहमदाबाद में इसलिए आए हैं कि नेपाल में पशुपति क्षेत्र विकास कोष 1986 से वहाँ के संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन में लगे हैं, और अभी हम लोगों ने 1.5 सालों से एक ऐसी व्यवस्था की है कि विशेष पूजा की व्यवस्था, वो विशेष पूजा को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे भारत से तीर्थयात्रियों को जानकारी दें, और कुछ खासकर गुजरात में से ज़्यादातर तीर्थयात्री हमारे नेपाल में आते हैं। हर दिन, हर महीना वहाँ से ज़्यादा भक्तजनों आ रहे हैं, इसलिए उनको भी जानकारी दें और विशेष पूजा की और हमने पशुपति क्षेत्र में किए हुए विकास की जानकारी भी किया जाए, और वहाँ भगवान पशुपतिनाथ की महिमा बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ से भी प्रयास हो और यहाँ से भक्तजन जाकर वहाँ दर्शन करें, ऐसा कार्यक्रम लेकर हम यहाँ आए। पहले अब हमारे नेपाल में जब राजनीतिक समस्या थे उस समय में ऐसा दिक्कत का भी हमने अनुभव किया है, लेकिन अभी तो वहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि रोड से जाने से भी वहाँ आसान से आप जा सकते हैं और ट्रेन से भी आसान से जा सकते हैं, और इस समय में भी कुछ ऐसा कमजोरी है तो वो सुधारने के लिए भी पशुपति क्षेत्र विकास कोष कहाँ कहाँ आए उसके लिए तैयार है, और हम चाहते हैं कि यहाँ भारत से जो तीर्थयात्री जाते हैं उनको कोई भी वहाँ रास्ते में
दुखनिवारण पहुँचे ऐसा के लिए हम प्रयास करते हैं। विशेष पूजा तो करीब करीब 1.5 साल से चालू हो रही है और ये जो कांग्रेस का कार्यक्रम है वो जनवरी 1 से सरावनी ट्रावल भी अपने ओर से भारत के तीर्थ यात्रियों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए अब हमने वहाँ प्रदक्षिणा करने के लिए आंतरिक प्रदक्षिणा, बाह्य प्रदक्षिणा और वहाँ को एक पुरोहित रख करके और वहाँ दर्शन कराएंगे। पहले पहले क्या होते थे कि तीर्थयात्री लोग आते थे एक जगह में बस स्टॉप में बस को रोक दिया और आप 15 मिनट में दर्शन करके आ जाइए ऐसा कहते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब यहाँ इतना दूर से तीर्थयात्री वहाँ जा रहे हैं और उनको भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करते समय वहाँ दर्शन भी अच्छा हो और इर्द गिर्द का जो मठ मंदिर है उनको भी दर्शन अच्छे से हो और वहाँ जाकर वो आनंद लूट सके, वो पवित्रता प्राप्त कर सके, ऐसे प्रयत्न के लिए ऐसे प्रयास के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। नेपाल पासे पशुपतिनाथ में वीआईपी दर्शन सुविधा ने विशेष अधिकार छे अने ते भारतीय ट्रावेल्स पार्टनर साथे मजबूत रीते व्यापारी संबंधों विकसावा आतुर छे। समग्र विश्व में दरियाई जीव में सौथी झेरी एवी जेलीफिश भारतीय दरियाई सीम में विशेष रीते जोवा मळे छे। ओखा जेटी थी 22 दरियाई नॉटिंग माइल पर आवेला डनी आईलैंड आश्रे 26 चौरस किलोमीटर ना एरिया में पथरायेलो छे। त्याना प्राकृतिक वातावरण में धवल इंटरनेशनल जेतलपुर ना स्टूडेंट 3 दिवस अने रात्रि प्रवास नी ज्ञान सभर मौज माणवा गया हता। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना वाइल्ड मरीन लाइफ ना गाइड रवि वाढेरा जे डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना स्वर्गस्थ स्टीव नी जेम अत्यंत झेरी प्रजाति नी पारदर्शक जेलीफिश थी लईने दरियाई परवड़ा ऑक्टोपस स्टारफिश अने समुद्र नी आबोहवा नु प्राकृतिक शिक्षण आपेलू हतु। बीजा आवाज डेनी पॉइंट नामना आइलैंड मा दरियाई वनस्पति मा अलग अलग नामनी अलभ्य वनस्पति थी लईने अनेक विविध जातनी विशेष प्रशिक्षण पण तेओने आपवामां आव्युं हतुं। स्टूबा डाइविंग થી લઈને ચમકતી રેતીના વિશાળ દરિયાઈ બીચ ઉપર સ્વિમિંગની મોજ સાથે વિદ્યાર્થીઓને માનવ પ્રેમી ડોલ્ફિન ફિશના એરિયામાં બોટિંગ સાથે મોજ મસ્તીના વાતાવરણમાં જાણે નેશનલ જિયોગ્રાફી અને ડિસ્કવરી જેવી ચેનલનું લાઈવ પરફોર્મન્સ માણી બાળકો આનંદ વિભોર થઈ ગયા હતા। આ 3 દિવસીય મરીન એજ્યુકેશન કેમ્પમાં પ્રાકૃતિક જ્ઞાન માટે મોજ મસ્તીની ટૂરનું સફળ આયોજન કરવા માટે ટૂર ગાઈડ SP સર અને સુરેશ સરને સ્કૂલના CEO હિતેશ પટેલે ખાસ અભિનંદન આપ્યા હતા। ચેઇન સ્નેચિંગના બનાવો દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે। આ સમસ્યા દેશના અનેક શહેરોમાં વધી રહી છે। મુંબઈમાં પણ સરેઆમ ચેઇન સ્નેચિંગના બનાવો બનતા ચકચાર મચી જવા પામી છે। મુંબઈના અંધેરી વિસ્તારમાં જેબી રોડ ખાતે આવેલા ચંદ્રપ્રભુ સ્વામી દેરાસર ખાતે એક મહિલા દર્શનાર્થે આવી હતી ત્યારે એક શખ્સે મહિલાને ખેંચીને તેના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન ખેંચીને ફરાર થઈ ગયો હતો। આ ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી। જો કે CCTV કેમેરા હોવા છતાં પણ ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટનાઓ સરેઆમ બને તે તંત્ર માટે શરમજનક બાબત છે। ગુજરાતના વાપી શહેરમાં એક કરુણ ઘટના સર્જાઈ। વાપી રેલવે સ્ટેશન પર કલર કામ કરતા કારીગરનું પગ લપસી જતા હાઈ ટેન્શન વાયર પર પડતાની સાથે જ ભડકે બળી જતા ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી। જો કે આ ઘટના સર્જાતા આસપાસ કામ કરી રહેલા અન્ય લોકો દોડી આવ્યા હતા અને સળગતા શખ્સને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા। ત્યારબાદ તેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જો કે તેની હાલત ખૂબ જ ગંભીર જણાઈ રહી હતી। તો મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।